अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो जहां है भाई खुश रहे, आबाद रहे और मेरे साथ जुड़े रहिए भाई। मेरे व्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो आज देखिए ये गाड़ी चल रही है और हमारे बेटे साल सा गाड़ी चला रहे हैं। माशाल्लाह उन्होंने ड्राइविंग सीखी है, तो उन्होंने कहा चले जी आज मैं आपको ले चलता हूँ ड्राइव पे और आप लोग को पिलाता हूँ मिल्क शेक। जी हाँ, आइए मिल शेक पिलाने के लिए मेरे बेटे साहब बाहर ले आए मुझे। तो मैंने कहा चलो जी आज हम भी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं इनके साथ। तो इस वक्त हम आ गए हैं आगा रज़ा जो है, यहाँ पे ये जूस सेंटर है और कराची में बहुत जगह इसके जो है ब्रांचेस हैं और हर जगह का अपना ही फ्लेवर है और अपना ही एक टेस्ट है। लेकिन जो यहाँ वाला है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही फ्रेश जूस और शेक बनाते हैं भाई ये। कभी आप लोग का भी विज़िट हो तो ज़रूर कीजिएगा इस आगा मिल्क शॉप का। ये बहुत ही अच्छी इनकी जो है ना, इनका जो साफ़ होते तरीके से ये बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश जूस और शेक बनाते हैं। तो हमारे भाई जी बना रहे थे मिल्क शेक, तो हमने कहा चले जी इसकी वीडियो भी बना लेते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि कितने मज़े से साफ़ होते तरीके से बना रहे हैं जी। और ये बहुत ही बड़ी दुकान है इनकी और यहाँ पर माशाल्लाह दूर दूर से लोग आते हैं शेक और जूसेस पीने। तो हमने इस वक्त इनको जो ऑर्डर दिया था वो हमने दिया था मैंगो शेक और बादाम मिल्क शेक का। तो हाँ जी बना रहे थे मिल्क शेक, तो हमने कहा चले इनकी पूरी दुकान का इनका कैप्चर करते हैं। और देखिए कितने यहाँ से बच्चे जो है ये आए हुए हैं सारे और सब अपने अपने ऑर्डर दे रहे हैं और ज़्यादातर लोग मिल्क शेक जो है मैंगो का पीना चाह रहे हैं क्योंकि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो सबसे मज़े का जो शेक होता है भाई वो मैंगो शेक ही होता है क्योंकि मैंगो होता है बादशाह, फलों का बादशाह। जी हाँ, तो ये देखें कितना इनका जो शॉप है बहुत ही अच्छी शॉप है और यहाँ पे बड़े तरीके से साफ तरीके से बना रहे हैं मिल्क शेक। तो हाँ जी हमारा हो गया है जनाब शेक रेडी और ये हो गया है मिल्क शेक मैंगो का रेडी और इसको हमने बना लिया था, मंगवा लिया था इनसे भाई। तो ये देखें ये हमें दे रहे हैं पार्सल बना के, तो बड़ा ही यमी और टेस्टी इनका जो था ये मिल्क शेक था। पीने में बहुत ही मज़ा आया, आप लोग को देख के मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा था भाई पीने में मज़ा। जी हाँ, अगर लेकिन मैंने जो मंगवाया था भाई इनसे वो बादाम मिल्क शेक बनवाया था। जी हाँ, मैंने कहा मैं ज़रा कुछ अलग टेस्ट करूँ कि हर कोई तो मैंगो और ये बनाना शेक पीता है, तो मैंने कहा मुझे भाई दो बना के इस वक्त बादाम का शेक। जी हाँ, बादाम का शेक पीने का अपना ही मज़ा है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा कि बादाम मिल्क शेक जो है बड़ा ही हेल्दी होता है और उसका टेस्ट ही बड़ा अलग होता है पीने में। तो हाँ जी, ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग और एक छोटी सी वीडियो थी और आपको अच्छी लगी होगी तो भाई आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। मौसम क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्म, पता नहीं क्या हो रहा है मौसम को। तो जाइए आप लोग भी मिल्क शेक और जूस का एंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए। और ये देखिए जी हो गया है रेडी हमारा जूस और हम इसे मज़े मज़े से पियेंगे और आप लोग भी देख के लुत्फ़अंदोज़ हों और मुँह में पानी तो आ रहा होगा। तो भाई वेट ना करें, जाइए ऑर्डर कीजिए, पहुँच जाइए किसी न किसी मिल्क शेक शॉप पे और एंजॉय कीजिए। तो हमने यहाँ पे भाई शेक पी लिया था, तो हम वापस जा रहे हैं यहाँ से अपना ऑर्डर लेके। तो आपको मुझे लगता है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्यों नहीं आएगी भाई, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को दिखाई है। तो हम वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ क्योंकि आज हमारे बेटे साहब ने हमें जल्द दी थी पार्टी जूस की। उन्होंने इतने दिनों बाद जो है कार ड्राइव की थी, उनको कार चलाना बहुत अच्छे तरीके से आ गई थी, तो हमने कहा चलें जी आज हम उनके पार्टी ले लेते हैं उनसे। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।